हाई वारी वेरी वो वेलकम टू द चैनल दिस इज़ योर इंग्लिश एडिकेटर शिप्रा मिश्रा एंड यू विल हैव टू टेल मी इफ यू आर लाइव जल्दी से मुझे बता दो हम लोग लाइव आ गए हैं ना okay 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 thank you thank you guys thank you so much for joining a very good afternoon to you a very good afternoon hello hello hi hi anjali hi anubhav hi apurva hi eklavya hi adya hi thunder hi kapil हाय चंचल हाय मोहम्मद हाय अपूर्वा हाय माधव हाय राजवीर हाउ आर यू व्हाट्स अप आराध्या कैसे हो वस्ता वत्सल हाउ आर यू प्रिंस सेजल व्हाट्स अप ओके ऑल राइट सो आज इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है इस क्लास के अंदर क्या होने वाला है देखो अगर आप अपने सैम्पल पेपर को और अपने एडिशनल पेपर को देखोगे तो तुम्हें जो तुम्हारा पेपर पेपर पैटर्न है वो साफ दिख दिख जाएगा आपको पता चल जाएगा कि क्या और कौन से क्वेश्चन पे सीबीएसई क्या प्लान कर सकता है तो अगर हम थोड़ा उसी पैटर्न पे जाकर मोल्ड uh, कर कर एक पेपर आज ट्राई करें एक बार देखें कि कैसे क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हम लोग उनके लिए तैयार हैं तो uh, कितना मजा आएगा तो एग्जैक्टली exactly वही करने की कोशिश करूंगी मैं आज इस क्लास के अंदर आज मैं आपके सामने एक पेपर uh, जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ जो कि uh, आपके सैम्पल पेपर और आपके एडिशनल पेपर जैसा है देखो 40 नंबर का पार्ट जो होता है आपके पेपर में वो अनसीन uh, होता है जिसमें आपके अनसीन पैसेजेस आते हैं और आपका राइटिंग राइटिंग सेक्शन सेक्शन आता है है में आपको ये पता है कि क्या क्वेश्चन पूछे पूछे जाएंगे पर किस टॉपिक पे पूछे जाएंगे नहीं पता और रीडिंग सेक्शन भी ऐसा ही है एकदम कंप्लीटली अनसीन होता है ये पता है कि डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा और फैक्चुअल पूछा जाएगा पर क्या पूछा जाएगा नहीं पता तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करके देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वेर एज अगर हम लिटरेचर की बात करें तो हम थोड़ा, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि सीबीएसई थोड़े प्रिडिक्टेबल तो अब इतने सालों में हो गए हैं, है ना तो आज हम लोग बस यही करने की कोशिश करेंगे ठीक है अच्छा बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ में प्रिडिक्टर पेपर टू कर लिया था और वो मेरे से बोल रहे थे कि मैम प्रिडिक्टर पेपर टू तो आपने डाल दिया है ड्राइव में पर आपने उसकी आंसर शीट नहीं डाली है तो अगर आप खुद भी ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ में क्योंकि आपके पास में ड्राइव में सारे पेपर्स अपलोडेड है सारा ये वाला पेपर अपलोडेड है तो आप चिंता मत करो मैंने ड्राइव में इसकी आंसर्स भी स्कैन करके डाल दिए हैं तो आपको वहाँ पर इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे ठीक है तो पहली बात तो ये मैंने आपको बता दी था कि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए जस्ट इन केस यू लुकिंग फॉर आंसर्स अब आ जाते हैं हम लोग इस फटाफट से रीडिंग सेक्शन देख लीजिए आपके सामने है रीडिंग सेक्शन में जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि अगर हम रीडिंग सेक्शन से शुरू करते हैं तो मिनट हम लोग रीड कर लेंगे और उसके बाद में शुरू करेंगे इमेजिन कर लेते हैं ये चीज दिमाग में रख लेते हैं कि हम लोग पहले ही क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पैसेज ठीक है फिक्स है डिस्क्रिप्टिव पैसेज के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लेना है और उसके बाद में आपने पढ़ लेना है आपका लास्ट वाला पैराग्राफ अब ये फर्स्ट और लास्ट वाला पैराग्राफ जब आप रीड कर लोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये ये जो पैसेज है, ये पैसेज है का थीम क्या है एक बार जल्दी से ये रीड कर लो ताकि इस क्वेश्चन को इनमें से आने वाले क्वेश्चन में आपको बता सकूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं जल्दी से रीड कर लो ताकि थीम का अंदाजा लग जाए और मैं आपको क्वेश्चन भी बता सकूं यार मेरे ख्याल से फर्स्ट वर्ड को देखकर ही पता चल रहा है कि ये तो हमारी फेवरेट आइसक्रीम के बारे में बात हो रही है बट ठीक है कुछ समझ में आया कि इसका क्या थीम हो सकता है तो जल्दी से इसको रीड करके आपको थीम पक, पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना यूजअली यूजअली जो ऑथर्स होते हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपने थीम को और यहाँ से आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली exactly बाकी के पैराग्राफ्स में क्या बात की गई होगी तो एक बार ये तीन लाइनें और रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या बात की गई होगी इन पैराग्राफ्स में तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो टीम हमें समझ में आ गया कि यार कितना इंपॉर्टेंट फ्लेवर है वनीला है ना वनेला किस तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट फ्लेवर है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है क्लियर हो गया ये तो मेरे ख्याल से है ना तो अब जब ये क्लियर है तो देखो इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकता है सीबीएसई ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो कैसे क्वेश्चन इस साल पूछने वाले हैं ठीक है उन्होंने मिक्सचर कर दिया कि यार हम लोग एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव पूछेंगे और सब्जेक्टिव में भी क्या पूछेंगे वो भी बता दिया है तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि बेस्ड ऑन द इनफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज विच इमोशन बेस्ट द कस्टमर्स रिएक्शन अपॉन ट्राइंग अ प्रोडक्ट मेड विथ मैड मैडगे डिसमेंट इन डिफरेंस या कंफ्यूजन अब यहां पर आपने अगर फर्स्ट और लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार यहां पर वनिला के आ, फ्लेवर के बारे में बारे बात करी जा रही है, केस अगर आप लोगों ने कोई भी एक एलिमेंट मिस कर दिया और आप ये ढूंढने तो क्या क्या को को -फट की कोशिश करोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या उसके आसपास का क्या आंसर है वहां पर और अगर आपको वहां डायरेक्ट वर्ड में आंसर नहीं भी मिलेगा तो इनडायरेक्टली आंसर मिल जाएगा जिसमें एलिमिनेशन की मदद से आप उसको आंसर कर सकते हो जैसे कि अगर हम यहां पर बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का आंसर प्लेजर होगा क्योंकि ये एक ऐसा फ्लेवर है जिसको कस्टमर्स यूजुअली बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं अच्छा आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है जैसे वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वनीला टू आइसक्रीम कंपनीज एज मैंशन इन द पैसेज अब यहां पर मेरे पास अगेन ऑप्शन आ गए हैं इट इज देयर मोस्ट एक्सपेंसिव इंग्रीडियंट इट इज यूज टू क्रिएट अदर फ्लेवर इट इज अ लो कॉस्ट फ्लेवरिंग ऑप्शन या फिर इट इज रेयरली यूज इन आइसक्रीम्स अब मेरे को पता है कि यहाँ पर जब मैं आइसक्रीम कंपनीज की बात करती हूँ तो आइसक्रीम कंपनीज के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आइसक्रीम कंपनीज के बारे में मेरे को फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में हिंट मिल गया था अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे लीड वर्ड्स का इस्तेमाल करके और देख सकती हूँ कि क्या यहाँ पर कुछ भी आइसक्रीम कंपनीज के कॉन्टेक्स में दिया हुआ है और क्या मुझे ये पता चल रहा है कि आइसक्रीम कंपनीज के लिए ये क्या है तो मेरे को यहाँ पे यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लीड वर्ड देखने को मिल रहा है बाई आइसक्रीम मेकर्स एज इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन्ग्रीडियंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सम विल बी फोर्स टू पास ऑन द इंक्रीज कॉस्ट टू कंज्यूमर्स सो यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया है कि ये उनके लिए मोस्ट एक्सपेंसिव इन्ग्रीडियंट है

एविडेंस आपको शेयर करना है फोर्टी वर्ड्स की वर्ड लिमिट है मतलब मेरे को यहां पर आके कोर्ट भी करना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि उनका राइटिंग स्टाइल जो है वो डिस्क्रिप्टिव है ठीक है अब यहां पर आप कहीं पर भी बहुत ही डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसी चीज को हम पकड़कर और फिर यहां पर आंसर बना लेंगे इस फ्लेवर के बारे में और ये, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में कितना डिटेल के अंदर दिया हुआ है तो हम इसको मैंशन करते हुए बोल देंगे की यहाँ पर इस तरीके इसको कोट करेंगे और इस कोट इस चीज को कोट करने के बाद में लिख देंगे की ये जो डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स है ये हम लोगों को ऑथर ने प्रोवाइड किया है क्योंकि उनकी राइटिंग स्टाइल इंटायर पैसेज में हमने डिस्क्रिप्टिव नोटिस की है ऑल राइट right. नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो बन सकता है वो है कंप्लीट कम्प्लीट अटेंस अप्रोप्रिएटली कैरेक्टरिस्टिक और इज डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द इनफॉर्मेशन गिवन इन द एक्सर्प्ट वन कैन इन्फर दैट वनिला अब बच्चों यहां पर ये यह वनिला के बारे में क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पैसेज है तो किसी एक थीम को पकड़ लेता है और उसके बारे में बात करता है तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आता कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिलेगा कि कोई एक पर्टिकुलर थीम पकड़ लिया और बोला कि उसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ कि पूरे पैसेज को पढ़कर उसकी क्या फीचर आपको समझ में आता है और कोई भी एक फीचर बता दो तो अभी पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स या दो पैसेज को पढ़कर हमें क्या समझ में आया कि वनीला क्या है वनीला क्या है? हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखा था फर्स्ट पैराग्राफ से उठा लो यार यहां पर ही देख लो इज द द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन वर्ल्ड आफ्टर रिजल्ट ऑफ इट्स लॉन्ग एंड लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन तो मेरे को पता है कि ये बहुत ही वैल्यूबल स्पाइस है ठीक है अगर केसर के बाद में अगर किसी कोई बहुत ही स्पाइस है तो वो वेनला ही है है ठीक तो मैं ये चीज इसके अंदर लिख सकती हूँ ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो उठा के लिख दूंगी कि इससे मुझे ये पता चलता है इट इज द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड आफ्टर सैफरन दट इज द रिजल्ट ऑफ इट्स लॉन्ग एंड लेबर इंटेंसिव कल्टिवेशन अब इसके बाद में हम आगे देख रहे हैं ये देखो next question is choose the two most expensive spices in the world from the options given abhi na ये ना एम क्यू नहीं है एम सॉरी इसके अंदर आपको ना ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको मार्क करना पड़ेगा ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये वाला और ये वाला ये दो स्पाइसेस है तो फर्स्ट ही फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें ये दो स्पाइसेस का आंसर भी मिल गया था फर्स्ट पैराग्राफ से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन अबाउट फोर्टी वर्ड्स बाय द नेम द सिग्निफिकेंस एंड मार्केट डायनेमिक्स ऑफ वनी प्रोडक्शन बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट ये टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इनके लिए एकदम तैयार रहना है आपको यहाँ पर नेम दे दिया है कि भाई ये जो पैसेज है अगर इस पैसेज का टाइटल में ये रखती है कि द सिग्निफिकेंस एंड मार्केट डायनेमिक्स ऑफ वनीला प्रोडक्शन है तो ये क्या टाइटल अप्रोप्रिएट होता क्या ये टाइटल अप्रोप्रिएट होता हाँ, क्योंकि इस पूरे के पूरे पैसेज में हमने फर्स्ट और लास्ट वाली जो लाइन देखी है उसके अंदर हमें यही पता चल रहा है कि भाई क्या सिग्निफिकेंस है क्या मार्केट डायनेमिक्स है वनिला प्रोडक्शन के है ना क्या इंपोर्टेंस है क्या इंपॉर्टेंस है वनीला प्रोडक्शन की है ना ठीक है तो इसीलिए यहां पर इसको बोल देंगे कि यस आप कैसे आंसर करेंगे फोर्टी वर्ड के अंदर आंसर करने के लिए आपने आ, यहां क्वेश्चन से उठा लेना है द गिवन हेडलाइन वुड बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट या पैसेज हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वनिला बोथ इन द टर्म्स ऑफ इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इन द इकोनमी ठीक है या फिर इन दी मार्केट

ठीक है अब देखो एक चीज मैं तुम्हें बताती हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनके पास में जो पैसेज आएगा वो किसी ना किसी सब्जेक्ट से हो और वो जानते हो उसके बारे में फिर भी ना अपना थॉट प्रोसेस आप क्या सोचते हो वो यहां पर चिपकाने की जरूरत नहीं है पैसेज के जो फैक्ट्स है उसको यूज करके अपने ओन वर्ड में आंसर लिखना है तभी नंबर मिलेंगे अब जब मैं यहाँ पर पैसेज में देखूंगी तो मुझे रियलाइज होगा कि कंज्यूमर्स अगर देखेंगे कि वनीला का प्राइस बढ़ रहा है तो वो सिंथेटिक वनीला की तरफ जाएंगे और अगर वो सिंथेटिक वनीला की तरफ जाएंगे तो नेचुरली उनका टेस्ट जो है वो

नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पैसेज है ये वाला जो पैसेज है ये पैसेज फैक्चुअल क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन के अंदर हमेशा पैसेज को कुछ टाइम लगाकर रीड करना चाहिए तभी जाकर हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो पता होगा कि एक्जेक्टली आंसर कहाँ पे है तो फटाफट से इसको रीड करेंगे पैसेज को रीड करने से हमें यह पता चल गया है कि ये जो पैसेज है ये पैसेज बेसिकली डॉल म्यूजियम के बारे में है जहां पर देश विदेश से बहुत सारे डॉल्स जो है इस म्यूजियम के अंदर रखे जाते हैं ये डॉल्स उन सारे देशों के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे इंडियन डॉल्स भी है जो इंडिया के कल्चर को या वेरियस जो जगह है हमारे देश के अंदर हर एक जगह के कल्चर को डिस्क्राइब करती है तो यह जो म्यूजियम है ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड है ठीक है तो हमने ये पढ़कर कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा लिया अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम देखते हैं फैक्चुअल पैसेज में वो कैसे आ सकते हैं देखो इन फॉर टू पॉसिबल वेज दट

यहाँ पे दो इक्वल फॉल्स हाव्स में ये जो म्यूजियम है ये डिवाइडेड है ठीक है यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ में ये, uh, ये वहाँ से डॉल्स देखने को मिलेगी इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया की भी जो डॉल्स हैं वो मौजूद है जो कि इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो ये हम यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं अब ये पढ़कर हम लोगों को क्या पता चलेगा ये पढ़कर ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को अगर मिलेगी तो हमें क्या पता चलेगा सबसे पहले तो ऑफकोर्स हम लोगों को यहाँ पर कोई भी जो रीजन है उस रीजन का क्या कल्चर है उस रीजन के अंदर कैसे कपड़े पहनते हैं उसके बारे में अंदाजा होगा तो जो भी विजिटर्स होंगे वो विजिटर्स स्पेसिफिक रीजन के अंदर जा सकते हैं और वहां जाकर उसके कल्चर के बारे में पढ़ सकते हैं और ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस कल्चर के बारे में दूसरी चीज कहीं ना कहीं हम लोग जो है डाइवर्स कल्चर और ट्रेडिशन के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ेंगे है ना तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या हो सकता है दूसरा पॉइंट हो सकता है कि कैसे यहाँ पर इस म्यूजियम को विजिट करने से हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी देश विदेश के बारे में अपने खुद के कल्चर के बारे में तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है तो विजिटर्स के लिए इसके दो फायदे हो सकते हैं हम ये लिख सकते हैं कि पैराग्राफ पैराग्राफोर से हमें यह पता चलता है नेक्स्ट है चूज एन ऑप्शन दैट स्टेट्स द द रीजन बिहाइंड अदर सेंडिंग ट्रेडिशनल डॉल्स एज गिफ्ट टू शंकर शंकर म्यूजियम म्यूजियम में बाकी सारे कंट्रीज अपना डॉल क्यों भेजते हैं ऑप्शन ए टू हैव अ ग्रेट बिजनेस विद इंडिया ऑप्शन बी टू रिप्रेजेंट दियर ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑप्शन सी टू द हेल्प रिसीव फ्रॉम इंडिया ऑप्शन डी टू प्रोवाइड इट अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन तो यहां पर वो क्यों ऐसा करते होंगे क्यों अपनी डॉल्स बेचते होंगे बच्चों नेचुरली वो ये चाहते हैं कि वो अपना ट्रेडिशन और कल्चर हमारे तक पहुंचा सके तो इसी वजह से वो अपनी डॉल यहां पर भेजते हैं और इस म्यूजियम में लगवाते हैं वॉट एज शंकर गिविंग अ रिटर्न गिफ्ट टू फॉरन कंट्री सजेस्ट अब तुम मुझे अपनी डॉल दे के जाओगे अपना ट्रेडिशन और कल्चर दिखाने के लिए तो फिर हम भी तो तुमको रिटर्न गिफ्ट में डॉल देंगे ना तो इसे हमारा कल्चर और ट्रेडिशन भी तुम्हारे तक पहुंचे तो वही इसका आंसर होगा कि हम रिटर्न गिफ्ट के अंदर क्या करते हैं हमारी वाली डॉल देते हैं ताकि तुम्हें पता चले कि इंडिया का क्या सभ्यता है हमारा क्या कल्चर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर डी व्हाट अकॉर्डिंग टू क्या चीज डैमेज कर रही थी ऑप्शन द कंट्री ऑप्शन और ऑप्शन डी लार्ज वॉल्यूम ऑफ पैसेज को पढ़कर हमें यह पता चल गया है कि फ्रीक्वेंट पैकिंग और अनपैकिंग चल रही थी इसकी वजह से डॉल्स जो है वो डैमेज uh, होती जा रही थी इसी वजह से एक म्यूजियम बनाया गया ताकि उस म्यूजियम के अंदर सारे के सारे डॉल्स को रखा जा सके और डॉल्स डैमेज ना हो तो इसके लिए बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो सकता है तो इसके लिए इसका बी एकदम करेक्ट आंसर हो सकता है चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से जो बन सकता है वो हो सकता है ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग इज एन प्रिविलेज एज इन पैसेज ए एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज बी ओनिंग अ स्मार्टफोन टेलीविजन और वीडियो गेम कंसोल ऑप्शन सी पार्टिसिपेशन इन कल्चरल इवेंट्स और ऑप्शन डी विजिटिंग म्यूजियम फ्रीक्वेंटली फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था तो वहीं से हम लोगों को थोड़ा अंदाजा इसका लग गया था क्योंकि ये देखो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के अंदर ही लिखा है एट अ टाइम वन योर यंगर पीपल आर प्रिविलेजिंग स्मार्टफोन टेलीविजन एंड वीडियो गेम्स ओवर अदर सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट तो हम लोगों के लिए पैसेज में पढ़कर प्रिवलेज ये पता चल गया है कि प्रिवलेज का मतलब यहाँ पर क्या है ओनिंग स्मार्टफोन टेलीविजन और वीडियो गेम कंसोल

थो अच्छा थोड़ी लगेगा इसीलिए हमने ऐसा किया अच्छा एक और क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो होता है ट्रू एंड फॉल्स का ट्रू एंड फॉल्स में इस पैराग्राफ से आ टाइटल इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस पैसेज क्या लगता है ये अप्रोप्रिएट टाइल है क्या हम इस पूरे पैसेज को पढ़कर इसको ये टाइटल दे सकते हैं द स्टोरी ऑफ शंकरज इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम

करें जहां पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कैसा पैटर्न दिख सकता है पेपर का डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ में तो वो देख लो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा नोटिस का जिसके अंदर आपको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे आप इनमें से कोई सा भी एक कर सकते हो नोटिस एक कंपलसरी क्वेश्चन है नोटिस में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा दो नोटिसिस ही होंगे ठीक है तो पहला क्वेश्चन जैसे यहां पर आप देख सकते हो

बीच में नोटिस की हेडिंग डालेंगे डेट डाल देंगे ट्वेंटी फरवरी फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इसके बाद में हम लोग क्या कर देंगे टाइटल डाल देंगे टाइटल डाल सकते हैं एक्सलूशन टू द रेल म्यूजियम ठीक है इसके बाद में आ जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन में कर देंगे दिस इज टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स कौन से लेकर जा रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स हम हम क्लास ट्वेल्थ लिख देंगे तो दिस इज टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ या क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट्स को हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं क्या द स्कूल कौन सा द स्कूल uh, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं सेंट स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है एन एक्सक्रूशन टू रेल म्यूजियम इन डेली ये ऑर्गेनाइज कर रहा है इसके बाद में डिटेल्स बता देंगे कि कब ऑर्गेनाइज कर रहा है डेट बता दिया टाइम बता दिया वेन्यू बता दिया इसके बाद में लिख दूंगी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सबमिट देयर नेम्स एंड फेयर रुपीज बता दूंगी कि पांच सौ रुपये लग रहे हैं ढाई सौ रुपये लग रहा है तीन सौ रुपए लग रहा है पचास रुपए लग रहे हैं ठीक है टू दी अंडरसाइंड फुल स्टॉप फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेट दी अंडरसाइंड अंडरसाइंड का नाम यहां पर है बिल्कुल है बिल्कुल कविता कुमारी कविता कुमारी का साइन करेंगे कविता कुमारी नाम लिखेंगे नीचे हम डाल देंगे कि इसका कोई डेजिग्नेशन है जी बिल्कुल है क्लास मॉनिटर है क्लास ट्वेल्थ की तो क्लास मॉनिटर फॉर क्लास ट्वेल्थ लिख देंगे इससे हमारा नोटिस खत्म हो गया बॉक्स बनाया खत्म आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है यू आर रविश नंदा द सेक्रेटरी ऑफ ग्रीन पार्क अपार्टमेंट अलीगढ़ यू सी मेनी रेसिडेंट्स ऑफ सोसाइटी आर नॉट वेरिंग मास्क दे आर सोशलाइजिंग विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एज अ सेक्रेटरी सोसाइटी राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन फिफ्टी वर्ड्स टू द रेसिडेंट रेसिडेंस फॉर द सेम अब सोसाइटी का नाम यहाँ पर है uh, कौन सी सोसाइटी है ग्रीन पार्क अपार्टमेंट्स अलीगढ़ इसके बाद में आप नोटिस डाल देंगे डेट डाल देंगे ट्वेंटी फरवरी की अच्छा इसके बाद में आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं टाइटल डाल सकते हैं नॉट वेरिंग अ मास्क इज डेंजरस ठीक है या फिर हम कह सकते हैं अ वार्निंग और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन पॉइंट डाल सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पे आ, अपना नोटिस शुरू कर सकते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म से कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है दिस इज टू इन्फॉर्म से आप नोटिस शुरू कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ सारे के सारे रेसिडेंट्स को या फिर अगर आप यहाँ चाहो तो आप इसको नई तरीके से भी शुरू कर सकते हो बट अगर हम बाई चांस ये सोच रहे थे नहीं दिस इज टू इन्फॉर्म से शुरू करना है तो लिख सकते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ पार्क अपार्टमेंट्स ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड विल बी चार्ज ठीक है uh, रविश नंदा सेक्रेटरी नीचे लिखेंगे ग्रीन पार्क अपार्टमेंट्स बात खत्म आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी इन्विटेशन कांबर फोर में एक क्वेश्चन इन्विटेशन का बनता है दूसरा क्वेश्चन आपका रिप्लाई का बनता है तो इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो मान लो आपने ये वाला

सेंडर्स एड्रेस है हमारा डेली पब्लिक स्कूल न्यू डेली ठीक है इसके बाद में आ जाएगा हमारा डेट ट्वेंटी सेकेंड फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इसके बाद में आ जाएगा हमारे रिसीवर्स का एड्रेस रिसीवर कौन receiver है रिसीवर है रजनी पाटनी इसके नीचे हम लोग यहाँ पर डेली लिख देंगे और छः एक्सेस बना देंगे हमारा जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट एक्जैक्टली रहेगा वही इन्विटेशन इन्विटेशन किस चीज़ के लिए फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे ठीक है इसके बाद में आ जाएगा मैम क्योंकि हमें पता है कि ये मैम है और हमारा पेटेंट बॉडी हम चाहे तो यहां पर चिपका सकते हैं याद रखना कि इसे थर्ड पर्सन में लिखना बहुत जरूरी है ठीक है हम देख सकते हैं डेली पब्लिक स्कूल टेक्स प्लेजर इन इनवाइटिंग नोटेड हॉकी प्लेयर मिसेस रजनी पाटनी टू ग्रेस ओकेजन ऑफ इट्स एनुअल या फिर देयर एनुअल स्पोर्ट्स डे एंड टू गिव अवे प्राइजेस टू अर बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑन थर्टी थर्टियत दिसंबर आगे कुछ लिखा हुआ है फ्रॉम एट ए एम टू ट्वेल्व पी एम अवेटिंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम हर एंड बाय अब तीस दिसंबर uh, को हमारा प्रोग्राम है तो हम चाहते हैं कि बीस दिसंबर तक तो कम से कम वो बता दे तो हम लिख देंगे बाय दिसंबर थैंक यू साइन कर देंगे क्या साइन करेंगे रिया या रमेश ठीक है नीचे अपना डेजिग्नेशन डाल देंगे स्पोर्ट सेक्रेटरी हो गया खत्म रिप्लाई का तो यहां पर देखो क्या है यू आर श्लोक मेहता द कैप्टन ऑफ योर स्कूल बास्केटबॉल टीम इन रायपुर यू हैव रिसिव एन इन्विटेशन फ्रॉम होली पब्लिक स्कूल थाने टू प्ले अ फ्रेंडली एग्जीबिशन मैच एट देयर स्टेडियम राइट अ फॉर्मल रिप्लाई

कर ले रहे हैं तो एक्सेप्ट करते हुए लिखेंगे शोक मेहता थैंक्स द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम ऑफ होली पब्लिक स्कूल फॉर इनवाइटिंग हिम टू प्ले फ्रेंडली एग्जीबिशन मैच एट द स्टेडियम ऑन सिक्सटीन नवंबर या फिर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं फर्स्ट मार्च uh, या डाल सकते हैं फिफ्टी मार्च अगर कुछ भी यहां पर दिया हुआ नहीं है जो मर्जी डेट है वो डाल दीजिए ही कॉर्डरली एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन एंड होप्स टू रीच थाने फ्रॉम रायपुर विद हिस्स टीम ऑन फिफ्टीन नवंबर या फिर अगर आप यहाँ पर कोई मैच है तो उसके दो दिन पहले की डेट डाल दीजिए बाई इवनिंग बेस्ट विशेज आ गया और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं साइन कर सकते हैं ठीक है याद रखना कि यहां पर आपके पास पेटेंट बॉडी मौजूद है डरने की कोई जरूरत नहीं है वही पेटेंट बॉडी चिपका दीजिए काम हो जाएगा आपका ठीक है आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट यहां पर कर सकते हो ऑल राइट right, अब आ जाता है हमारा मेन क्वेश्चन जो क्वेश्चन में पेटेंट बॉडी का चमत्कार चलेगा ही चलेगा और वो है जॉब एप्लीकेशन या लेटर टू एडिटर वाला क्वेश्चन अब इसमें आपके पास में जॉब एप्लीकेशन नहीं है एडिटर वाला क्वेश्चन है देखो क्या है यू आर अमित और अमिता हेड ऑफ एनवायरमेंटल क्लब मैरी हाई स्कूल मथुरा यू एंड योर क्लब विजिटेड रंथम बोर नेशनल पार्क राजस्थान यू फाउंड हाउ द टूरिस्ट

ंतमबोर पार्क में गए थे और वहां पर एक बच्चा कुरकुरे का पैकेट लेकर जा रहा था आ, खोला कुरकुरे खा रहा है आधा कचरा नीचे फेंका वो आ, आराम से खा रहा है वहां पे बंदर थे उन्होंने मारा एक चाटा और कुरकुरे का पैकेट लेकर चले गए अब वो पैकेट उन्होंने खा लिया और वो नीचे गिरा दिया और कुछ लोग वो लो खाकर वैसे ही नीचे गिरा दे रहे होते हैं तो मुझे वो याद आ गया था तो मैंने वो भी बता दिया फिर मेरे दिमाग के अंदर आया कि जो जीप्स होती है लोग बात कर रहे होते हैं ये जीप से भी पॉल्यूशन होता है और ये जीप की आवाज आ रही होती है एनिमल्स वैसे ही इतने ज़्यादा डरते हैं खास करके नीलगा ये तो इतनी ज़्यादा डरती है कि वैसे ही इधर उधर भाग रही होती है तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं ना कहीं उनके हैबिटेट को परेशान करने वाली चीज़ें तो ये तीन चीज़ें मुझे याद आ रही थी तो मुझे डरना नहीं है कि मुझे तीन ही चीजें याद आती है इन तीन ही चीजों की जरूरत है मुझे इन तीन चीजों को बस मुझे डेवलप करना है अपने वर्ड्स में अब मैंने ही कर लिया अब मैं कॉन्क्लूजन में वही कॉन्क्लूजन चिपकाऊंगी जो कॉन्क्लूजन मैंने कल आपको बताया था देर फोर आई फील दैट इंसस्टेड ऑफ यूल वहीकल्स ई वहीिकल्स शुड बी यूज फॉर सफारी एंड ऑल्सो ए पेनल्टी शुड बी चार्ज अपॉन द टूरिस्ट हु फाउंड गिल्टी लिटरिंग द पार्क एंड टीजिंग द एनिमल्स ठीक है तो मैंने यहाँ पर यह बताया थैंक यू योर सिंसियरली नाम मेरा दिया हुआ अमित या अमिता हेड ऑफ द इनवायरमेंटल क्लब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मेरे पास में क्वेश्चन आता जॉब एप्लीकेशन का और मैं जॉब एप्लीकेशन सेलेक्ट करती तो कैसे करती क्वेश्चन है यू आर राज और रजनी शाह ट्वेंटी वन थ्री गुरु स्ट्रीट मोहाली यू हैव रेड द एडवर्टीजमेंट गिवन बिलो राइट एन एप्लीकेशन इन वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वर्ड अलॉन्ग विध रेज्यूम प्लीज 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 भगवान के लिए एडवर्टीजमेंट अच्छे से पढ़ लेना ये गड़बड़ मत करना यहाँ पर अच्छे से देख लेना इनको क्या क्या चाहिए इनको क्या चाहिए देखो किधर गए यार हाँ इनको चाहिए अकाउंट ऑफिसर चाहिए क्वालिफिकेशन एमकॉम चाहिए पाँच साल का एक्सपीरियंस चाहिए ओके okay. Uh, मेरे पास एड्रेस भी आ गया है एच आर मैनेजर ए वन फोर एन न्यू साउथ प्लाजा मोहाली कॉन्टैक्ट डिटेल भी आ गई है अब देखो यार सबसे पहले तो मैं सेंडर्स एड्रेस से शुरू करूंगी सेंडर्स एड्रेस मेरे पास यहाँ पर गिवन है तो मैं सेंडर्स एड्रेस से शुरू करने वाली हूँ सेंडर्स एड्रेस है मेरा ट्वेंटी वन थ्री गुरु स्ट्रीट मोहाली डेट डालूंगी ट्वेंटी सेकेंड फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर रिसीवर्स एड्रेस में डालूंगी एच आर मैनेजर ए वन फोर एन न्यू साउथ प्लाजा मोहाली ठीक है इसके बाद में मैं डालूंगी अपना वही सेम सब्जेक्ट चिपकाऊंगी एप्लीकेशन फॉर द पोजी

एक मिनट ये है बहुत बड़ी फाइल थी तो मैंने उसको ना कंप्रेस करके भेजा मेरे को पता है कि फिर तुम लोग ना बड़ी फाइल देख कर डाउनलोड करने में भी मौतें आ रही होती हैं एक मिनट ये ये रहा नहीं है हाँ हमारी पेटेंट बॉडी मैंने खोल लिया पेटेंट बॉडी उसी में फिक्स करती हूँ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज पेपर कौन सा न्यूज पेपर कुछ लिखा हुआ है क्या न्यूज पेपर न्यूज पेपर न्यूज पेपर, पेपर कोई न्यूज पेपर नहीं लिखा हुआ तो मैं सिर्फ न्यूज पेपर लिख दूंगी डेटेड डेट डाल दूंगी यार आज बाईस तारीख को अगर मान लो मैं ये आंसर कर रही हूं या फिर मैं अप्लाई कर रही हूं तो मैं कह सकती हूँ इक्कीस तारीख को आया होगा या बाईस का बाईस को भी मैं आंसर कर सकती हूँ तो मैंने लिख दिया बाईस या फिर इक्कीस फॉर द पोजिशन ऑफ पोजिशन क्या है अकाउंट्स ऑफिसर अब देखना मैजिक In your renowned organization, I wish to offer my candidature. I have the required qualification and experience. I am enclosing the copy of biodata for your kind perusal and consideration. I am also available for an interview on any day of your convenience. If given a chance to serve the organization, I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction. Thank you. question fit body. पोजीशन पता होनी चाहिए। फिर जैसे ही पेटेंट तो का जैस ना काम खत्म तो ऐसे आपने यहाँ पर आपका जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है जॉब एप्लीकेशन मिनटों का खेल है मिनटों का खेल आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल और रिपोर्ट आर्टिकल और रिपोर्ट जरूर आपका टाइम खा सकता है आर्टिकल और रिपोर्ट आपका टाइम खा सकता है तो इसीलिए कोशिश करना कि जो पेटेंट बॉडीज हैं अपनी नोटिस की इन्विटेशन की जॉब एप्लीकेशन की क्योंकि वो अच्छे से आती है वहां टाइम सेव हो जाए ताकि ये वाला जो अगर टाइम भी खाए तो कहीं ना कहीं टाइम कॉम्पनसेट हो जाए अब देखो यहाँ पर अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू इन अबाउट वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वर्ड्स यू आर स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ डेली पब्लिक स्कूल झांसी

इवेंट वाला वो वाला रिपोर्ट उठा के लिखना है यहां पे वो वाला रिपोर्ट उठाकर लिखेंगे ठीक है रिपोर्ट का वही हमारा जो बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को यहां पर चिपकाएंगे फॉर्मेट में आ जाएगा सबसे पहले आपका हेडलाइन एनुअल स्पोर्ट्स मीट या एनुअल स्पोर्ट्स डे एनुअल स्पोर्ट्स लिख देंगे निमिष और निमिषा स्पोर्ट्स कैप्टन हमारे पास में यहां पर लिखा हुआ है अब मेरे को वो पर्टिकुलर जो मैंने आपको कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर बताए थे वो पर्टिकुलर याद में रख के और रिपोर्ट बनानी है एक चीज मुझे ध्यान रखनी है मेरा पास टेंस नहीं छूटना चाहिए प्राण जाए पर पास टेंस ना जाए रिपोर्ट में क्योंकि ये कोई चीज जो हो रखी है उसको रिकॉर्ड कर रहा है अगर मैं इतना ध्यान रखूंगी तो मेरे एक्सप्रेशन के नंबर नहीं जाएंगे और कॉन्टेंट में मेरे को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है अगर कॉन्टेंट में स्ट्रक्चर का ध्यान रखकर इस रिपोर्ट को लिखती हूँ तो ये रिपोर्ट कैसी बनेगी डेली पब्लिक स्कूल झांसी ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑन सेकंड से चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट लिखा हुआ है वहां पे आ, नाम लिख देंगे चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट आ, मिस्टर आ,

हर ऐसे कॉम्पिटिशन और कल्चरल इवेंट वाले रिपोर्ट में आपको बोलती हूँ कि हमेशा वोट ऑफ थैंक्स या फिर वो दो शब्द जो है वो जरूर डालने चाहिए तो लास्ट में कॉन्क्लूड करके लिख सकती हूँ कि ये जो आफ्टर द इवेंट मिस्टर जो भी हमारे चीफ गेस्ट है वो सराउंडेड बाय मल्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टूडेंट हुएंग टू टेक हिज ऑटोग्राफ और हम इसके साथ में बाद में लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल ने क्या किया वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर किया इट वॉज अ मेमोरेबल डे वॉज अ डे टू रिमेंबर इस तरीके से हम रिपोर्ट लिख देंगे ठीक है तो रिपोर्ट के अंदर ना हम लोगों के पास में एक स्ट्रक्चर रेडी होता है अगर वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी दिमाग में बैठ जाए ना तो इन हिंट्स की मदद से हम बढ़िया रिपोर्ट बना सकते हैं आ जाते हैं अब हमारे बहुत ही खतरनाक बहुत ही बढ़िया प्यार्वेश्चन के लिए जो की है हमारा आर्टिकल Travel serves as an invaluable source of education, enriching one's understanding of the world in multifaceted ways. Uh, beyond the traditional classroom, it offers profound lessons in manners, customs, languages, and history, ultimately broadening the horizons of one's social and cultural awareness. Write an article on travel, an important source of education. Use the given cues uh, along with your own ideas to compose the article. Now, here, I will heading: mil hai, Travel, an important source of education. Kya एक्स वाई जी अब इसने सब मेरे को दे दिया सारी चीजें मेरे पास है Travel serves an invaluable source of education, एन one's सोर्स ऑफ एजुकेशन world रिचिंग ऑफ uh, multifaceted world. वर्ल्ड क्या मिला मेरे को इंट्रोडक्शन यहां से मैंने इंट्रोडक्शन उठाया इंट्रोडक्शन उठाकर थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया और डिटेल सेगमेंट में उठाकर यही लाइन चिपका दी बियॉन्ड द ट्रेडिशनल क्लासरूम इट ऑफर्स प्रोफाउंड लेसन्स एंड मैनर्स एंड कस्टम्स लैंग्वेज हिस्ट्री अल्टीमेटली ब्रॉडनिंग द होराइजन ऑफ वन सोशल कल्चर एंड अवेयरनेस आहा यहाँ पर इसके बाद में मैंने यहाँ पर बाकी के इंपॉर्टेंस इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया इसके बाद बताया कि स्टूडेंट्स को और कितना इससे बेनिफिट मिल सकता है प्रैक्टिकली कैसे सीख सकते हैं और फिर कंक्लूड करके क्या बताया कि स्कूल्स को कॉलेजेस को इंस्टीट्यूशंस को ये जो ट्रैवल है इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज ये ट्रैवल ट्रिप्स ये विजिट जो है ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि हमारा आज का बच्चा प्रैक्ट एजुकेशन सीखे उसे पता चले कि वो एक्चुअली जो पढ़ रहा है वो दिख कैसे रहा है अगर आपका मन करे तो आप एंटार्टिका वाली, तिशानी वाली, तिशानी दोषी वाली चिपका दो ना इसमें स्टोरी आपके पास में ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको आसपास कहीं पे भी कुछ भी पढ़ा हुआ दिखता है आप उसकी स्टोरी चिपका देना कभी भी डिटेल ना बने ना तो डिटेल बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप इंस्टेंसेस या स्टोरी उठाकर चिपका दो डिटेल वाला सेक्शन बन जाता है ठीक है आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिटरेचर सेक्शन लिटरेचर सेक्शन के अंदर सबसे पहले आ गए एक्सट्रैक्ट्स ये थोड़ा हम अंदाजा लगा सकते हैं तो देखना एक बार एक तो क्या है रीत सदा एक ही चली आई पूरे साल मेरा माइक बढ़िया चलता है जैसे ही एग्जाम पास में आते हैं माइक ढंग का चल नहीं रहा होता है उसके बाद में भी मैं कोशिश करती हूँ कि बीच में जो मुझे ब्रेक मिले मैं सबको बुलाकर किसी को बुलाकर माइक वाइक कोई चेंज करा लूँ कुछ ऐसा कर लूँ ना तो इतना समय मिलता है और ना ही मेरे मेरे में इतना जिगर है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकू इस टाइम पे हाथ दुख जाता है इसको पकड़े पकड़े कोई बात नहीं चलो आ जाते हैं इस पर देखना एक बार सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट रीडिंग टेक्स्ट में से पहला एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है छह नंबर का क्वेश्चन है आंट जेनेफर्स टाइगर से आया हुआ क्वेश्चन है ये तुम्हें आता है थोड़ा सा दिलचस्पी लेकर जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो इसको आंट उसको टाइगर्स जेनेस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टू पास उपासड ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दे डू नॉट फियर द मैन बीनी द ट्री दे पेस इन स्लीक स्ल रिकनिटी क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इस एक्सट्रैक्ट में कौन सा थीम सबसे बेस्ट है ए जेंडर रोल्स एंड ऑपरेशन बी फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंट abundance c the beauty of tigers d the beauty of the forest i will make you proud ma'am oh ho oh, meri jaan thank you so much thank you so much i will also make you proud <laughs> that's so good पूरी कोशिश पूरी कोशिश करना कल आग लगाने की ना एग्जाम में बी लग रहा है फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस क्या बात है वेरी गुड फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट वेदर द गि स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू दी एक्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट में दी गई इंफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है जल्दी से बता दो बाई यूजिंग द प्लेस वर्ल्ड एंड वाइब्रेंट नेचुरल एनवायरमेंट इन विच द टाइगर्स एक्जिस्ट

भाई यहाँ पर आंट जेनिफर के टाइगर्स जो फियरलेस हैं, वो विमेन के इंडिपेंडेंस से कैसे जुड़ते हैं भाई आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, वो किसी इंसान से नहीं डरते वो मैस्कुलिन फिगर्स से नहीं डरते इनफैक्ट वो फ्री है वो लोग सारे रिस्ट्रिक्शंस को सारे बाउंडेशन को तोड़ना जानते हैं और तोड़कर जो उनके मन में अपने सेल्फ स्टीम के हिसाब से आगे बढ़ना जानते हैं इसी वजह से एकदम ऐप टेनोलॉजी है कि जो भी वेमेन है उनके फ्रीडम के अंदर उनके फ्रीडम के लिए ये जो टाइगर्स हैं कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा सिम्बल बन सकते हैं अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज इट सिंबलाइजेज देर एबिलिटी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सोसाइटी रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट क्वेश्चन the use of the word chivalric depict the tigers as brave and ferocious creatures this creates a powerful image of भाई जब tigers के साथ में chivalric word का इस्तेमाल किया गया है शिवल्रिक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो हम एकदम से ब्रेव और फेरोशियस क्रिएचर्स की तरह उन्हें जानते हैं तो ये हमारे दिमाग में कौन सी इमेज क्रिएट करता है स्ट्रेंथ की करज की ब्रेवरी की बोल्डनेस की फियरलेसनेस की ये सारे जो फीचर्स है ना टाइगर्स के जो हमने पढ़े थे वही डालने यहां पे मेल डोमिनेशन मैस्कुलिनिटी डोमिनेशन तो नहीं आएगा बेचारे टाइगर्स कहाँ डोमिनेट कर रहे थे मैस्कुलिनिटी फिर भी लिख सकते हो वो फिर भी चल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आईडेंटिफाई द राइम स्कीम इन द गिवन एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट में राइम स्कीम बताना जरा जल्दी से बता दें एक्सट्रैक्ट में क्या राइम स्कीम है एक मिनट स्क्रीन ग्रीन ट्री सर्टर्निटी ए ए बी बी एफ बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूज ऑफ पंचुएशन एट द एंड ऑफ लाइन थ्री इन द एक्सट्रैक्ट लाइन थ्री के एंड में ये वाला पंचुएशन का इस्तेमाल किया गया है इसको प्यार से कोलन बोलते हैं अब आप बताओ यहां पर दी गई ऑप्शन में से कौन सा इसके कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है ए द सेमिकोलन सेपरेट्स टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बी द सेमिकोलन इज यूज्ड टू क्रिएट अ पॉज एंड एम्फोसाइज अंट्रास्ट सी द सेमिकोलन इंडिकेट्स पॉज देन अमा बट नॉट अ स्ट्रॉन्ग एस ए पीरियड या फिर द सेमिकोलन कनेक्ट टू अनिलेटेड आइडियाज विद इन द सेम सेंटेंस मेरी जान अनरिलेटेड आइडियाज़ को सेम सेंटेंस में कुछ कनेक्ट नहीं करता सिवाय कि सिवाय बेकार एकदम सेंटेंस फॉर्मेशन हाँ तो सेवी कोलन भी नहीं करता ये इसीलिए सबसे ज़्यादा इसीलिए सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर इसके अंदर होगा डी देखो भाई कोलन जो होता है उसमें एक तो होता है डॉट जिसे हम कहते हैं पीरियड और एक होता है हमारा कॉमा तो ये ना कोलन का काम होता है दोनों का काम करना ये ना तो पूरा प्रॉपर फुल स्टॉप है और ना ये पूरा प्रॉपर कॉमा है तो ये कॉमा से बढ़कर पॉज और उतना नहीं कि एकदम फुल स्टॉप जैसा लग जाए उतना पॉज नहीं दिखाता तो ये ना ये दोनों का काम कर रहा होता है कोलन का एज अ पंचुएशन रोल ये है तो ये तीनों चीजें सेमीकोलन के लिए एकदम सही है सिवाय इस चौथी चीज के क्योंकि अनरिलेटेड आइडियाज को ये साथ में कनेक्ट नहीं करता देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कीपिंग क्वाइट से आया हुआ क्वेश्चन है Those who prepared green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Hanji. Question Deko, the Pohe describes the desired emotional state when people stop their activities for the moment as option A happiness, B anger, C appreciation, D introspection. जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आहा इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन मेरे को तो लगता है वैसे भी कीपिंग क्वाइट से कोई भी क्वेश्चन है इंट्रोस्पेक्शन करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वॉट इज द यूज ऑफ द वर्ड ग्रीन वर्ड सजेस्ट ग्रीन वर्ड से हम क्या समझते हैं बच्चों ऐसे वर्ड्स जो कि नेचर के खिलाफ छेड़ दी गए उन्हें हम ग्रीन वर्ड्स कहते हैं इनवायरमेंट या नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड दैट विल नॉट कम्पलीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली ऐसे वर्ड का चयन कीजिए जो कि की सेंटेंस को अप्रोप्रिएटली कम्पलीट नहीं करेगा द मैंशन ऑफ डिफरेंट वर्ड क्रिएट अ विविड इमेज ऑफ केयर्स डिस्ट्रक्शन हार्मनी या फिर मेहम भाई नॉट पे फोकस करो नॉट भाई यहाँ पे जो इन्होंने ये वर्ड्स का डिफरेंट uh, वर्ड्स को मेंशन किया है उससे हमारे दिमाग में कैसी इमेज नहीं बनती है कैसी इमेज नहीं बनती है हार्मनी की हार्मनी की इमेज नहीं बनती वॉर को जैसे ही देखते हैं दिमाग में क्योस आता है डिस्ट्रक्शन आता है तबाही आती है मेहम है ना पर हार्मनी पीस नहीं आता है right, देखना question, question State whether the given statement is true or false. The poetic device used in clean clothes is the same as used in wars with gas, wars with fire. Prominent poetic devices. देख लो देखो प्रोमिनेट पोलिटिक डिवाइस जो क्लीन uh, क्लोथ में है वो है एलिट्रेशन वो है एलिट्रेशन और यहां पर जो प्रोमिनेंट लिटरी डिवाइस है वो है एनफोरा वर्ड वर्ड्स रिपीट हो रहा है तो अगर एकदम इसको देख के इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग डिवाइस है बट अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं वर्ड्स विध वाले एलिट्रेशन पे तो हम इसको ट्रू भी मार्क कर सकते हैं याद रखना ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कंफ्यूज हो जाओ तो पेपर में इस क्वेश्चन को छोड़ना मत क्योंकि कभी कभी अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो दो आंसर हो सकते हैं और उसी बच्चे को बोनस पॉइंट मिलेगा जिसने पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा समझे छोड़ के मत आना कुछ भी आज और नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं ठीक है वॉट the line विक्ट्री with नो सर्वाइवर हाईलाइट इन द context ऑफ devastation caused बाय द वॉर्स हम लोग को बस ये विक्ट्री विद नो सर्वाइवर अच्छे से समझा देना है हमें समझा देना है कि जो लोग वॉर्स करते हैं वो फाइनली रियलाइज करेंगे कि वो शायद जीत तो जाएंगे बट वुड वुड बी नो वन टू तो सेलिब्रेट देयर विक्ट्री कोई बच्चे का ही नहीं उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए एंड देन दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड क्रिएट अ ब्रदर टू वॉक अंडर द सेम शेड तो वो लोग क्या करेंगे फिर उसके बाद में ब्रदरहुड की इंपॉर्टेंस समझेंगे एक ब्रदरन हाथ में हाथ डालकर एक ही शेड के नीचे वॉक कर रहे होंगे इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे अपने आइडियाज को आ जाओ एफ देखो कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रियली इन द लाइन एंड वॉक अबाउट विद ब्रदर सजेस्ट क्या भाई क्या सजेस्ट करता है ये वाला लाइन अरे ब्रदरहुड सीधी सीधी बात ये सजेस्ट करता है कि पोएट हमसे ये चाहते हैं कि हम लोग वॉर्स वगैरह में इंडल्ज ना होकर ब्रदरहुड को प्रमोट करें एक ब्रदर क्रिएट करके एक साथ आगे जीवन को बढ़ाएं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Read the given extracts and answer the question for any one of the two given. Uh, okay. Journey to the end of the earth, I have a question. Jaldi se read karo. क्वेश्चन देखो How does the author's use of the light giant ping pong ball devoid of any human markers convey the extreme isolation of the continent? आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर भी देखने को मिल जाए याद रखना याद रखना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है ये बेसिकली ये चाहते हैं कि आप इस पॉइंट को समझा दें तो आपको बस इस बात को समझाना है कि ये आइसोलेशन कैसे दिखाता है क्योंकि उन्होंने जायंट पिंग बॉन्ग बॉल इसलिए बोला था क्योंकि दूर, दूर दूर तक बिना दूर दूर तक आप जहां तक भी देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ आइस देखने को मिलेगी अर्थ का टोटल आइस का नाइन्टी वहीं पर मौजूद है और कोई भी यहाँ पर ह्यूमन मार्कर्स नहीं है जो कि ये बताता है कि यहाँ पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं है ये प्रिस्टीन कंडीशन के अंदर है ठीक है इसी वजह से हमें पता चलता है कि ये जो कॉन्टिनेंट है इस पर ह्यूमन सर्वाइवल नहीं पॉसिबल है जिसका मतलब है कि ये

ऑस्ट्रक क्यूरियस ओवरवेंट ट्रू एंड फॉल्स का रीजन नहीं देना है मेरी जान सिर्फ ट्रू और फॉल्स देना है बात खत्म बिल्कुल ऑस्ट्रक इज दी करेक्ट आंसर देखो इंटरेस्ट तो उनको बिल्कुल था तो डिसइंटरेस्टेड तो नहीं हो सकता क्यूरियस का मतलब होता है किसी चीज को लेकर उत्सुक तो वो तो यहाँ नहीं दिख रहा है और ओवरवेम का मतलब होता है तूफान आ जाता है ना जब इमोशन का किसी चीज के तो वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सी देखना द दिनोलॉजी ऑफ टाइम ट्रैवल इज एन अप्रोप्रिएट अनोलॉजी फॉर डिस्क्राइबिंग दिशानी दोशीज पर्पज ऑफ विजिटिंग एंटार्टिका बिकॉज क्योंकि एंटार्टिका एक ऐसी जगह है जो कि प्रिस्टीन कंडीशन में है जिसका मतलब यह है कि एंटार्टिका की जगह एंटार्टिका एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर आप पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें कहीं ना कहीं वहां देख सकते हो जैसे कि टाइम ट्रैवल के अंदर होता है हम टाइम ट्रैवल में कभी तो पीछे चले जाते हैं कभी फ्यूचर में चले जाते हैं एंटार्टिका इज अ प्लेस विच कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर पास्ट और यहाँ पे प्रोग्नोसिस भी आपको देखने को मिलेगा आपका फ्यूचर कैसा है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये एकदम करेक्ट है अगर इस बात को हम लोग यहाँ बताना चाहेंगे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे अ टाइम मशीन अलाउस इंडिविजुअल्स टू ट्रेवल टू डिफरेंट Historical periods to learn about the past. Similarly, Tishani Doshi's visit to Antarctica offers her of, uh, a unique opportunity to explore a place that holds valuable clues about Earth's geological history. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर डी गिव वन रीजन वाई द राइटिंग स्टाइल ऑफ द एस्ट्रा कैन बी बॉल्ड डिस्क्रिप्टिव ये डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं तो इनको ध्यान रखना डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्शन आपको ऐसा लगता है बहुत ही फालतू बात करिए इसकी जरूरत नहीं थी बस वही चीज उठाकर आपका डिस्क्रिप्शन है क्योंकि आ, जब जरूरत नहीं होती और वो बात वो कहते हैं ना उसी को डिस्क्रिप्शन कहते हैं अब आप यहाँ पर देखो जैसे कि अयट पिंग पॉक बॉल डिवाइड ऑफ ह्यूमन मार्कर्स नो ट्रीज बिल बोर्ड बिल्डिंग्स ठीक है तो आप इसको पूरा ना लिखकर अंट पिंग पॉग बॉल से बिल्डिंग्स लिखकर ऐसे इलिप्सिस डालकर बिल्डिंग्स लिखकर और इन्वर्टर कॉमा क्लोज करके कह सकते हो कि यहां पर ऑथर ने हम लोगों को पूरा एंटार्टिका का एक विविड विविड पिक्चर देने के लिए एंटार्क्टिका कैसा दिखता है उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ऑलराइट नेक्स्ट right, देखना Tiger King say, I have a question. The chief astrologer placed his finger on his nose and wonder. A baby barely 10 days old opens his lip, uh, lips in speech. Not only that, it also raises an intellig intelligent question. Incredible! Rather like the bulletins issued by the War Office then facts. The chief astrologer took his finger off, the, off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the enemies or th for the tigers, he explained. Ajo. क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली ऑथर्स पर्पस इन यूजिंग एग्जेजरेशन इज टू ऑथर ने एक्जेजरेशन का इस्तेमाल क्यों किया बच्चों अरे आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये जो इतनी लंबी लंबी ऑथर ने फेंकी है ना यहाँ पे कि एकदम ऐसा पूरा बता रखा है कि ओ हो एकदम से ये बात सुनी कि दस दिन का बच्चा बोल पड़ा और उसको देखकर एकदम से सन्न हो गए सारे के सारे लोग ये एग्जेजिनेशन का इस्तेमाल इसीलिए किया हुआ है ताकि आप लोगों को थोड़ा आपका अटेंशन इधर ग्रैब कर सके सो बेसिकली रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए हुआ ये इन द गिवन एक्सट्रैक्ट वॉट इमोशन वाज़ द चीफ एस्ट्रोलॉजर फीलिंग इंटेलिजें क्वेश्चन इनक्रेडिबल आपको क्या लगता है इसमें कौन सा इमोशन है ग्रीफ क्यूरिया आप लोग टोन बेस वाले क्वेश्चन के पीछे हाथ धोकर पड़ो आपको टोन बेस्ड क्वेश्चन जानने के टोन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करना है, जबकि इस बार के पेपर पैटर्न में टोन बेस ने इमोशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं जहां पर आपको इस तरीके से कोई भी कॉन्टेक्स्ट देकर बोलते हैं इसमें कौन सा इमोशन है देख लो हम पहले चादी वाले में भी किया इसमें भी किया टोन बेस को छोड़ो इमोशन बेस क्वेश्चन करना शुरू करो हाँ ग्रीफ क्यूरियोसिटी एक्साइटेड या disbelief? हाँ, disbelief, अरे उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक तो दस दिन का वासी बच्चा बोल पड़ा बोल पड़ा तो बोल पड़ा उसने इतना खतरनाक क्वेश्चन और पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहीं उसकी इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं। वैसे तो इसकी एक ट्रेड trait... कहीं ना कहीं उसकी स्मार्टनेस की बात कर सकते हैं कि ये बेबी कितना ज्यादा स्मार्ट है इंटेलिजेंस उसकी स्मार्टनेस की बात कर सकते हैं कि दस दिन के अंदर बच्चा बोल पड़ा है कितना स्मार्ट बच्चा है ये में बॉक्स अरे कोई ऐसी चीज में बॉक्स नहीं बनाना जो एक से ज्यादा पेज पे जा रही है कितने बॉक्स बनाओगे कितने डब्बे बनाओगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाउ इज गिवन एक्सट्रैक्ट एन एग्जांपल ऑफ आयरनी ये एग्जांपल कैसे है आयरनी का एक्सट्रैक्ट तो देख लो एक बार देखना जरा इसमें आयरनी कहाँ दिख रही है सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि ये बच्चा बच्चे का भी जन्म हुआ है और इसके जन्म पर ही इसके मौत की बात हो रही है तो सबसे बड़ी आयरनी तो ये है दूसरी बात दिन बोलता नहीं है दस, दस महीने तक तो, तो उठी नहीं थी मेरे को तो चार्टे दे दे के उठाते थे मम्मी पापा उठ तो जा तो ये दस दिन का बच्चा बोल पड़ रहा है ये आयरन नेक्स्ट क्वेश्चन months past shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in calcutta okay. uh, when gandhi arrived he waited till gandhi was free then the two of them boarded a train for the city of patna in bihar there shukla led him to the house of lawyer named rajendra prasad who later became president of congress party and of india Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla was a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion, Gandhi, whom they took to be another peasant. Chalo. List one sensory detail present in this extract. Dhi? Sensory detail wale question bhi his bar highlight hai. Sensory detail ka manam, sense. Sense. Dekhna, sunna, sungna. टेस्ट करना फील हाँ ये सेंसेस। अब देखना जरा यहाँ पे कोई सेंसेस है क्या बताओ अरे एकदम से हमें हमें ऑथर ने कह दिया बोला इमेजिन करो शुक्ला सिटिंग ऑन तो आप इमेजिन कर रहे हो कलकत्ता का रेलवे स्टेशन है शुक्ला वहां पर हॉन्चेस के बल पर बैठा है विजुअल दिख रहा है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वाई डिड दर्वेंट लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड एज दे वर नॉट अलाउड टू इन साइड इन साइड एज दे वर एज एज दे दे वर वर अनटचेबल्स एरोगेंट अब ये जो इसका जो ऑप्शन है ना इसको थोड़ा बेटर तरीके से फ्रेम कर सकते हैं बेसिकली क्या है ना उनको पता नहीं है उनको पता नहीं है कि गांधी जी अनटचेबल टचेबल है या नहीं है और वो ना अब उसको टचेबल की जगह ट्रीट नहीं कर सकते अपर कास्ट की जगह ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो लोग अनटचेबल निकले और उन्होंने किसी चीज को हाथ लगा दिया तो वो पल्यूट हो जाएगा तो उन्होंने क्या किया गांधी जी और राजकुमार शुक्ला को दोनों को अनटच

इस पेशेंट डिटर्मेंट टेनासिटी देख रहे हो उनके है उनके अंदर तो इस पेशेंट एंड इज आप यहां पर लिख सकते हो पर्जीवरेंट भी लिख सकते हो इस रेजोल्यूट हाँ क्या बात है

इस लाइन को देखकर हम कह सकते हैं कि उस वक्त इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी थी ओके okay, नेक्स्ट देखना जरा द टर्म इन एक्सट्रैक्ट इंडिकेट आपने अगर मेरे साथ में वर्ड मीनिंग्स करें क्योंकि मैंने हर एक चीज के वर्ड हर बार जब भी पढ़ाया है तो वर्ड मीनिंग्स कराए हैं तो आपको पता होगा इन सारे वर्ड्स का जो एनसीआरटी में मीनिंग है इसका मतलब क्या है जैसे कि फार्मर प्रेजेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखना Which of the following headlines best suggests the central idea of the extract? A. The harsh reality of the poor ones. B. The result of determination. C. The anxiety of an oppressed. या फिर D. The role of confidence. Extract का headline क्या हो सकता है? क्या title हो सकता है इसका? अब बिचारे शुक्ला जी इतना इंतजार कर रहे थे, इतना इंतजार कर रहे थे कि यार अब मेरा number आएगा, अब मेरा number आएगा और actually उनका number आ गया। ठीक है, तो ये actually उनके determination का result था। ठीक है तो हम कह सकते हैं रिजल्ट ऑफ डिटरमिनेशन उन्होंने हार नहीं मानी अगर वो हार मान जाते तो उनका नंबर ही नहीं आता कभी गांधी जी उनके साथ ही नहीं जाते चंपारण एपिसोड ही नहीं होता ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग प्लेसेस से ये क्वेश्चन जरा रीड करेंगे ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड सोफिया एंड फादर एंड लिटिल डेरिक वेंट डाउन नियर द गोल्डज ऑफ एज ऑलवेज Uh, went with his mates higher up united won uh, two 0 and casey drove in the second goal a blend of innocence and irish genius going round the two big defenders in the edge of the penalty area with her father screaming for him to pass and beating uh, the hesitant goalkeeper from a dozen yards so we glowed with pride afterwards geoff was ecstatic. what effect does the writer's use of the phrase 'iris genius have on the reader's understanding of denny gacy's performance mai isko 'iris genius bol diya hai matlab ye bada exceptional banda hai hai na ab hum kisi ko yahan par isko genius bol diya bola ye वैसे इसकी performance जो है वो exceptional होनी चाहिए तो इसकी performance exceptional थी ये हम कह सकते हैं लाइन जी ऑफ एजेंट विद कैन बी बेस्ट क्लासीफाइड एज अर एन अजर्शन डिनायल इनफेरेंस या थीम ये जो लाइन है ये लाइन क्या है क्या ये डिनायल है इनफेरेंस है या थीम है हाँ वॉज अ ग्रेट प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल सही है भाई देखो टीम का मतलब होता है जिसकी अराउंड पूरा का पूरे बात रिवॉल्व करती है ऐसा तो नहीं है इन्फेरेंस का मतलब होता है ड्रॉ करना कोई मीनिंग या कोई रीजन ड्रॉ करना ये भी नहीं है डिनाइल का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना तो ये भी नहीं है आजर्शन इसका इसलिए हो सकता है बिकॉज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट है जो आपको कह दिए इसके पीछे कोई इन्फेरेंस कुछ भी नहीं लगाया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज है कि भाई हर बार की तरह वो वहीं पे बैठा था वहीं पर बैठा था बात खत्म नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी वन पॉसिबल इन्फेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड भाई हम लोग अगर इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमको ये चीज तो पता चल जाती है कि पूरी की पूरी फैमिली फुटबॉल फैन थी हमें ये भी पता चल जाता है कि उनकी वीकली फुटबॉल मैच को देखने की आदत थी और ये भी पता चल जाता है कि वो लोग यूनाइटेड को सपोर्ट करते थे अब इनमें से एक भी लिख सकते हो चाहिए तो ये तीनों बातें एक सेंटेंस में डाल के भी लिख सकते हो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट दैट बेयर्स एविडेंस टू द फैक्ट दैट जी ऑफ वॉज नॉट वेरी क्लोज टू हिज फैमिली एंड लिव्ड लिव्ड इन हिज ओन वर्ल्ड ऑफ कोर्स ये देखो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था उनके साथ बैठ सकता था बट यहाँ पर देखोगे या लिखा हुआ है जी ऑफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेड हायर अप मतलब वो फैमिली से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था अपनी दुनिया में अपने दोस्तों के साथ ही घुला मिला करता था ये लाइन हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करती है

क्या लगता है सोफी के कैरेक्टर को देख के कि सोफी कौन सा वाला डायलॉग बोलती फर्स्ट फर्स्ट नाम नेम लिखा हुआ है तो लास्ट नेम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते मेरी जान फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तो केवल फर्स्ट नेम ही लिख लेंगे देखो यार सोफी सेलिब्रेट तो करने वाली नहीं है क्योंकि वो भी फुटबॉल फैन है ऐसा नहीं है कि वो कभी भी फुटबॉल वापस नहीं देखेगी क्योंकि वो फुटबॉल फैन है और इतनी समझदार तो सोफी है ही नहीं कि वो बोले कि नहीं नहीं आउटकम्स की कोई चिंता नहीं है इन लोगों ने अपना हंड्रेड परसेंट दिया इतना तो दिमाग नहीं है उसमें वो बहुत ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल इंपल्सिव लड़की है और इसीलिए अगर वो हार जाती तो वो कहती ओ, ये हार गए। फ्रस्ट्रेटिंग है तो वो ऐसे रिएक्ट करती अरे सोफी कहां से पॉजिटिव हो गई सोफी का कैरेक्टर ही नहीं है ऐसा तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेक्स्ट देखो कंप्लीट द द सेंटेंस विद वन वर्ड। फ्रेज सोफी ग्लोड विद प्राइड सजेस्ट दैट प्राइड इज द रिजल्ट ऑफ अर सेंस ऑफ डैश विद डेनी इधर डेनी ने गोल किया उधर सोफी एकदम प्राइड से ग्लो कर गई ये क्या दिखाता है सोफी और डेनी के बीच में कनेक्शन क्लोजनेस प्रॉक्सिमिटी क्योंकि आप किसी इंसान से कनेक्टेड होते हो कोई इंसान आपका कुछ लगता है और वो जीवन में अगर कुछ अचीव करता है तभी तो आप एकदम चमक रहे होते हो कि हाँ यार ये देखो इसने ये ये अचीव किया तो सोफी पर फील कर रही थी कि वो डेनी से एकदम क्लोज है एकदम कनेक्टेड है और जब भी डेनी ने यहाँ पर गोल किया तो एकदम से खुश हो गई कि अरे वाह यार इसने गोल कर दिया एकदम मेरा डेनी है ना तो क्लोजनेस विद डेनी हम यहाँ पर बता सकते हैं इसके साथ एक्सट्रैक्ट बेस कंप्लीट हो गए दो दो नंबर के क्वेश्चंस में देखो कुछ कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रॉम द स्टोरी लॉस प्रिंग व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटीज़ एंड बैंगल सेलर्स हम यहाँ पर बताएंगे कि कैसा विशेष सर्कल इन दोनों के बीच में है अथॉरिटीज़ और बैंगल सेलर्स जो है उनके बीच में एक विश्व सर्कल है क्योंकि अथॉरिटीज़ यहाँ पर बैंगल मेकर्स को कॉन्स्टेंटली एक्सप्लाइट कर रही है और बैंगल मेकर्स भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है अथॉरिटीज़ से वो उन्हें हॉलोप कर देगी इस बात से नेक्स्ट uh, क्वेश्चन आ सकता है हाउ डज द राइटर इन द स्टोरी द रैट ट्रैप यूज विविड इमेजरी टू डिपिक्ट द पेडलर सिचुएशन व्हेन ही गेट्स लॉस्ट इन द फॉरेस्ट हम लोगों को राइटर ने मतलब सेल्मा लेगर लेगरलॉफ ने फॉरेस्ट का एक अच्छा विजुअल दिया है हमें बताया है कि फॉरेस्ट कितना ज्यादा गहरा था आ, कितना डेंस था आ, वो भूल भूलैया कि जैसा था हमें बताया कि किस तरीके से उसकी ब्रांचेस टिकट्स बुशेस के साथ में एक इमपेनिट्रेबल प्रिजन के जैसा लग रहा था ऑलमोस्ट एक रैट ट्रैप के जैसा लग रहा था in the story the last lesson the village elders were sitting in the classroom on the last day of the lesson how does the this contribute to the overall tone and mood of the story puri jo story hai, wo story hi sadha um, uh, you know sad mood mein hai. है ना कहीं ना कहीं हमको दिखता है कि यहाँ पर जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा मेलनकली है एक रिग्रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो मै मेलनकली और सैडनेस में ये कंट्रीब्यूट करता है कि आज आखिरी दिन है चालीस साल की किसी सर्विस के लिए ये ये लोग जो है वो थैंक यू बोलने आए हैं अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करने आए हैं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की और थैंक यू बोलने आए हैं रिस्पेक्ट पे करने आए हैं उस कंट्री को जब उनकी नहीं रही है तो इसकी वजह से मेलनकली और सैडनेस जो है वो और भी बढ़ जाती है

को हायर किया एंड उसने एक्शन भी लिया पांच दिन हफ्ते के अंदर रोज एक घंटा वो प्रैक्टिस किया करता था इतने सारे महीनों तक ऑल राइट right. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन इलेवन का पार्ट है हाउ कैन वी से दैट द राइटर हैज इफेक्टिवली द सीवियर दीवियर दैट प्रीवेल टूवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर थ्रू द स्ट्रगल्स फेस बाय जिद हमें यहाँ पर पता चलता है कि कैसे यहाँ पर मेजोरिटी कल्चर जो है वो माइनॉरिटी पे थोपा जा रहा है जैसे कि जिद कला को ऐसी चीजों को करने के लिए कहा जा रहा है उन्हें ओप्रेस किया जा रहा है और ऐसी चीजें उनसे कराई जा रही है जो कि उनके कल्चर के अंदर मानी नहीं जाती फॉर इंस्टेंस जितकला शाह के कल्चर के अंदर बालों को काटना कावर्ड

पूरा जो मरीन लाइफ है और उस रीजन के बर्ड्स हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे तो अगर हम ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को पॉजिटिवली करते हैं तो एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है सिमिलरली अगर नेगेटिव छोटे छोटे पॉइंट्स हम कर रहे होते हैं तो बड़ा प्रकाशन आ सकता है Ajati answered the question in the context of the following lines from the enemy. The kindest thing would be to put him back into the sea, Hana said. But neither of them moved. They were staring with curious repulsion upon the inert figure. Justify the Sadao and Hana, that Sadao and Hana cared for soldier, but were worried about the consequences of being considerate. Now, what Sadaw Sadao and Hana? They wanted. दे वॉन्टेड टू समहा दे वॉन्टेड टू टेक द एनिमी और द सोल्जर इन साइड देर हाउस बट दे वेरी अफ्रेड बिकॉज दिस गाय वॉज अ पी ओडब्ल्यूके सी वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर अब इनको पता था कि अगर ये पीओडब्ल्यू को अपने घर में लेकर जाएंगे दे वुड बी टर्म्ड एज अ ट्रेटर उनको ट्रेडर के जैसे टर्म कर दिया जाएगा एंड वट वुड हैपन टू देट किड्स एंड वॉट वुड सर्वेंट्स थिंक एंड वट वुड इंटायर कंट्री थिंक दे वुड क्वेश्चन देर पेट्री ऑटिज्म ये सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे थे बट उनका ह्यूमैनिटी और उनका इमोशन उनके प्रोफेशन पर हमें लिखने होंगे. Long के टू वर्ड इतना ओवर पावरिंग था दूस टू की टिपिकल हाउस वाइफ इमेजिन यू आर मदर इन दोएम माई मदर एट सिक्सटी सिक्स Imagine you are Aunt जेनेफर वॉट एडवाइज माई टू ऑफर टू कमला दास इन द कॉन्टेस्ट ऑफ अर कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस एज डिस्प्लेड इन द गिविन लाइन्स यू मे बिगिन दिस वे देखो कैसे हम लोगों को शुरू करना है डियर कमला आई रिसेंटली रेडी योर पोवम एंड यू मे एंड दिस वे और एंड कुछ इस तरीके से करना है I hope this advice is helpful to you. Please let me know if there is anything else I can do to support you. Warmly, Aunt Jennifer Now if you want, you can a conversational tone. If you want you can start Dear Kamla and I recently read your poem My Mother at 66 and it touched my heart. I can see how you felt conflicted when you saw your mother. It's all okay, uh, Kamla, to feel this way sometimes. We all have moments when words seem uh, inadequate to express our emotion. But you did something beautiful You smiled. That smile carried love, comfort, and reassurance to your mother. ज सम एडवाइस फॉर यू कीप स्माइलिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर मदर योर स्माइल सेज आई एम योर एंड आई केयर स्पेंड टाइम टुगेदर मेक मेमरीज एंड ट्रेजर दीज मोमेंट्स योर मदर स्माइल बैक एट यू इन हर वे ऑफ सेंग आई लव यू टू माई डियर चाइल्ड आई होप दिस एडवाइस हेल्प यू कमला इफ यू नीड एनी मोर गाइडेंस और सपोर्ट फील फ्री टू आस्क वार्मली एंड जेनिफर आप चाहिए तो यहां पर एक कॉन्वर्जेशनल टोन uh, uh, के साथ में इसको बना सकते थे कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा कर सकते थे कि uh, दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है बट वो अननेसेसरी हो जाता है अगर आपको यहाँ पर ज्यादा लिखने के लिए नहीं आ रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कहेंगी आर जेनिफर तब आप वो कर सकते थे अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिकली यहाँ पर सैंडविच मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर आर जेनिफर बनके सबसे पहले आप बता सकते हो कि मैं समझ सकती हूँ मैं समझ सकती हूँ कि एक टिपिकल हाउस की ज़िंदगी कैसी होती है ठीक है और मैंने जब तुम्हारी पोम पढ़ी माई मदर एट सिक्सटी तो मैं समझ पाई कि तुम्हारे जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ड्यूटी को लेकर वो कितना रियल है मैं खुद भी अपने जीवन के अंदर ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रही हूँ क्योंकि सिमिलैरिटी ड्रॉ करना ज़रूरी है उसके बाद आप एडवाइस दे सकते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया कीप स्माइलिंग कीप स्पेंडिंग टाइम विद योर मदर ये सब आप इसमें एडवाइस दे सकते हो एंड देन कॉन्क्लूड आपको वापस से ऐसे ही करना है कि अगर आपको और मेरी कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना फॉर्मली आंट

You have been asked to address your peers and share the importance of accepting people for who they are. अब आपको यहाँ पे एक ड्राफ्ट बनाना है अब देखो आपको अपने आप को यहाँ पे कुछ इमेजिन नहीं करना आप जो हो वही हो आप सोचो आपने ये दोनों टेक्स्ट पढ़े हैं और इन दोनों टेक्स्ट के बेसिस पे आप अपने पियर्स मतलब अपने लोगों को एड्रेस करते हो इनमें से सिखाते हो लोगों को कि कैसे हमें अपने लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है सैंडविच मेथड यूज करना है यहाँ पे ठीक है एक पैराग्राफ आएगा इन दोनों की सिमिलैरिटी का एक पैराग्राफ आएगा आपके सोफी वाले चैप्टर का एक पैराग्राफ आएगा आपके राट्राफ वाले चैप्टर का एंड लास्ट के अंदर आएगा कि कैसे हम लोगों को अपने लोगों को वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है इसको कैसे लिखोगे कैसा दिखेगा ये देखना एक बार गुड मॉर्निंग एवरी वन एज आई एनालाइज द स्टोरी गोइंग प्लेसेज इन ट्रैप। आई फाउंड एन इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई लाइक टू शेयर विद यू ऑल बोथ स्टोरी टीचर्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेप्टिंग पीपल फॉर हु दे आर अब मैं गोइंग प्लेसेस की बात करूंगी इन गोइंग प्लेसेस सोफी इज इमेजिनेटिव वाइट हर फ्रेंड जैनजी इज प्रैक्टिकल इवन दो हैव डिफरेंट आउटलुक्स ऑन लाइफ जैनजी एक्सेप्ट सोफी एज अ बेस्ट फ्रेंड दिस टीचर्स अज दट ट्रू फ्रेंडशिप मीन्स एम्ब्रेजिंग अर फ्रेंड्स यूनिक एबिलिटी अब मैं राटरैप की बात करूंगी इन राटरैप एडला वेलकम द रैटरैप सेलर इन टू होम डिस्पाइट नोइंग इज पास्ट हर काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस शो अज दट पीपल कैन चेंज इफ गिवन अ चांस अब मैं कॉन्क्लूड करूँगी टू कॉन्क्लूड रिमेंबर दैट एक्सेप्टिंग पीपल फॉर हू दे आर इज अ ब्यूटिफुल क्वालिटी इट हैल्स बिल्ड स्ट्रांग फ्रेंडशिप्स एंड अलाउ पीपल टू ग्रो एंड चेंज पॉजिटिवली ठीक है तो यहाँ पर हमेशा हम लोगों को ये सैंडविच मेथड यूज करना है इसी से हमारे आंसर बन जाएंगे और कुछ नहीं सोचना ठीक है पहले थोड़ा सा क्वेश्चन uh, के साथ रिलेट करके इंट्रोडक्शन बताया फिर गोइंग प्लेसेस की बात की फिर रात राप की बात की और फिर उसके बाद में फाइनली जो यहाँ पर लिखा हुआ एग्जैक्टली exactly, उसी के साथ कॉन्क्लूड कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन इमेजिन दैट यू कम अक्रॉस लुइजाज डायरी यू वॉट माइट यू फाइंड इन अबाउट दर्ड लेवल कम्पोज एटलीस्ट वन डायरी एंट्री बेस्ड ऑन एनी ऑफ द इवेंट्स फ्राम द स्टोरी थर्ड लेवल लुइजा की डायरी एंट्री बनानी है डायरी एंट्री का फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर सबसे पहले आपने डेट डालना है फिर डे और टाइम आ जाएगा डियर डायरी लिखेंगे कॉन्वर्जेसनल टोन में डायरी एंट्री आएगी और फिर आ जाएगा नाम नीचे लुइजा अब इसमें या तो हम पूरे थर्ड लेवल के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेंगे या किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में हम डायरी एंट्री कर सकते हैं लुइजा की डायरी एंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे देखो एक बार क्या आप इसमें लिख सकते हो today i want to share something incredible that has uh, been happening in our lives it all started when my husband charlie discovered a hidden secret at grand central station he found a third level a place that seemed to take him back in time in year 1894 charlie's adventure fascinated us so we decided to search for his mysterious uh, third level together we believe it could uh, be an escape from our busy modern world in 1894 the world was different people wore old-fashioned clothes and gaslights uh, लिट अप द स्टेशन दो वी हैवन फाउंड थर्ड लेवल वी आर नॉट गिविंग अपइजा अब याद रखो यहाँ पर आप वो वाला सेक्शन बता सकते हो जो सेक्शन में लुइजा अभी चार्ली के साथ में थर्ड लेवल ढूंढ रही है और अभी उन्हें मिला नहीं है आप चाहो तो पूरा बता सकते हो कि हम लोगों को आ, हम लोग इतने टाइम से थर्ड लेवल ढूंढ रहे थे हम लोगों को सैम का फर्स्ट डे कवर मिला और अब हम लोग हर वीकेंड थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं और उस एंड कर सकते हो चाहिए तो पूरी की पूरी बात बता सकते हो कि किस तरीके से ये एक एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा चार्ली ने थर्ड लेवल के बारे में हमें बताया पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ पर उसके बाद में सैम का फर्स्ट डे कवर हमें मिला जो कि ये प्रूव करता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और अब मैं और चार्ली हर हफ्ते थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं ठीक है तो आप यहाँ पर पूरा चैप्टर या कोई एक इवेंट कंसीडर कर सकते थे डायरी एंट्री के लिए लास्ट क्वेश्चन यू विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी रिसेंटली एंड वर अपोल एट द कंडीशन ऑफ देंचुरी एंड द फ्लाइट ऑफ द एनिमल देर टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम द स्टोरी द टाइगर कैंग क्रिएट ए डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर थाट्स एंड फीलिंग्स अब यहाँ पर आपको बताना है अब इसमें देखो एक तो इवेंट और इसके साथ में चैप्टर दोनों को कंबाइन करना है तो पहले तो आप बताओगे कि आप वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट की है और फिर वहां पर आपने जाकर देखा कि किस तरीके से जो जो एनिमल्स हैं उनके साथ में बदसलूकी हो रही है उन्हें कैसे ट्रीट किया जा रहा है और कैसे वो एंडेंजरमेंट की तरफ जा रहे हैं और फिर आप ये बताओगे कि इससे मुझे याद आया जो हमने थर्ड सॉरी टाइगर किंग में पढ़ा था किस तरीके से महाराजा जिलानी जंग जंग बहादुर ने बेरहमी से सौ टाइगर्स को मार दिया था कैसे उस टाइम पर हंटिंग को एक बहुत ही यू नो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी माना जाता था लोग इसको बहुत ही अच्छा समझते थे कि हंटिंग कर लिया भगवान जाने क्या कर लिया उसकी वजह से कितने सारे एनिमल्स की जान जाती थी और इसी की वजह से बहुत सारी स्पीशीज आज एक्सटिंक्ट भी हो गई है आप बताओगे कि आप कितना सैड फील करते हो कि लोग ऐसी फुलिस चीज़ों को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए एनिमल्स को उनकी हैबिटेट में रहना चाहिए और उनको भी हक है यहाँ पर जितना अपना अर्थ पे हम लोगों को हक है हमें डोमिनेट uh, नहीं करना चाहिए तो so, ये इमोशन के साथ में फाइनली आपके नाम तो यहाँ पर नहीं है तो एक्स वाई जी करके डायरी एंट्री को क्लोज कर दोगे ठीक है इसके साथ में आपका पूरा का पूरा पेपर जो है मैंने आपको बता दिया देखो इस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा ये पूरा पेपर पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर चुके हैं और डोंट uh, वरी इसकी जो एक्चुअल आंसर्स हैं वो भी मैं स्कैन करके डाल चुकी हूँ अपने ड्राइव पे और uh, मैं वा, वा, बाकी जो भी लोग मुझे जहाँ पर भी फॉलो करते हैं वहाँ पर भी मैं पहुँचा दूंगी वो पी uh, डी तो वो भी मिल जाएगा तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे जस्ट इन केस आप क्यूरियस हो इसको फिर से देखने के लिए बाकी अब आपको फिर से इसको देखने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन आपको पता चल गए हैं uh, अब आपको क्या करना चाहिए अब आपको रिवीजन करना चाहिए uh, अपने थोड़ा सेल्फ स्टडी करो थोड़ा सा आपके जो भी नोट्स वगैरह हैं उनको लेकर बैठो और थोड़े पी वाई क्यूज लगाओ एज इन लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ रीड करो ताकि आपका अच्छा खासा जो पार्ट है सब्जेक्ट का वो कंप्लीट हो जाए इसके बाद में आप आ, कोई एक पेपर लेकर बैठ सकते हो कोई एक सेक्शन जो आपको लगता है कि मेरे को सबसे अच्छे से काम करना चाहिए उस एक सेक्शन को सॉल्व कर लो अगर तीन घंटे नहीं मिल पा रहे हैं आ, पूरा पेपर सॉल्व करने के आपको लगता है यार मेरा लिटरेचर सेक्शन सबसे स्ट्रांग है तो लिटरेचर सेक्शन आज एक बार सॉल्व करके जाओ केवल वही सेक्शन सॉल्व कर लो तो इससे क्या होगा थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा हालांकि मैं आपसे फिर से मिलने वाली हूँ इसी चैनल पे भी कुछ ही देर के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और फिर मैं थोड़े से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की भी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ मैं उन बच्चों को ये क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलूँगी जिन बच्चों को एक बार सिलेबस हो गया और वो अपने रिविजनरी स्टेज पर अभी और वो चाहते हैं कि ठीक है थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर लें थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रीशन प्रैक्टिस कर लें वो बच्चे जिन्होंने अभी तक पेपर के लिए प्रेपरेशन को छुआ भी नहीं है और सेल्फ स्टडी नहीं की है मैं मेरे को पता है ऐसा कोई यूट्यूबर या कोई टीचर नहीं बोलेगा क्योंकि आज के दिन तो सारे लोग चाहते हैं कि उनकी क्लास में कि आप बैठो बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सेल्फ स्टडी करो क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बिल्कुल भी आपने नोटिस किया होगा मैं इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट किया जाए चाहे मेरे को चार व्यूज़ कम मिल जाएंगे चार सब्सक्राइबर कम मिल जाएंगे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं इस बात पे ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगी कि अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ अब सेल्फ स्टडी कर लो क्योंकि आधा दिन बीत चुका है ज़्यादा टाइम बचा नहीं है रिवीजन करना है तो दो क्लासेस और अभी तुम्हारे लिए लगाई हुई है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिसमें कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की मदद से थोड़ा चैप्टर रिवाइज कराऊंगी और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ठीक है नहीं अगर रिवीजन करना है फटाफट से सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना ठीक है ठीक है चलो हाँ मैं आप चिंता मत करो कल सुबह भी मैंने एक क्लास लगाई है और वो क्लास इसीलिए लगाई है क्योंकि चीट चीट की मदद से सारी जितनी भी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है ना वो सब कुछ मैं करवाऊंगी तो वो वो क्लास में भी तुम आ जाना सुबह सात बजे पढ़ना शुरू करेंगे जब तक तुम पहुंचोगे तब तक मैं तुम्हें लगभग एक घंटे सवा घंटे में सब रिवाइज़ करा दूँगी तुम तो मेरे ऊपर उस चीज को छोड़ सकते हो ड्राइव का लिंक मैंने मेरे चैनल के कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दिया है तो वहाँ पर आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी मैंने ड्राइव का लिंक पेस्ट किया हुआ है वो भी मिल जाएगा मैराथन का लेक्चर का जो पी है वो भी मैंने मेरे टेलीग्राम लर्न विद चिप्रा पे पोस्ट कर दिया वो भी मिल जाएगा बाकी बोर्ड्स का ब्रह्मास्त्र जो है जिसका लिंक नीचे है वहाँ पर सब कुछ अपलोड कर रहा है टीम ओके चलो आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वन देन थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर आई लव यू